हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे, और हम आज आपको ले चलते हैं ओली ट्रिप पे। तो दोस्तों, बद्रीनाथ हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं, और यहां से हमारा पहला स्टॉप जोशीमठ होगा। जोशीमठ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो हम लेंगे चेयर कार या फिर हम लग जाएंगे बाइक कार। तो हम लोगों ने जोशीमठ में एंट्री कर ली है, और थोड़ी देर में जोशीमठ मार्केट आने वाला है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सामने झरना बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे पिक्चर आती है। तो चलिए हम चलते हैं जोशीमठ मार्केट की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ मार्केट, और हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या तो हम जाएं रोप वे से, और या फिर हम जाएं बाइक कार। और हम लोग जाएंगे बाइक कार। तो दोस्तों, हम लोग अब ओली के लिए निकल चुके हैं जोशीमठ मार्केट से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ भी हमको दिखाई देने लगी है, और आगे जाके हमें खूब सारी बर्फ देखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे रिजॉर्ट की ओर। पहले तो हमें काफी थकान लग चुकी है, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर चाय। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा चाय पानी और फ्रेश होंगे, उसके बाद हम निकलेंगे अपने ट्रैकिंग के लिए, और हमने जाना है गड़सू बुग्याल। इसके लिए हमने गाइड भी कर लिए हैं, और यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही थी कि काफ़ी दो चार दिन पहले कुछ लड़के यहाँ पे आए थे, और वो लोग रास्ता भटक गए, और उनकी उनसे की डेथ हो गई है। तो इसलिए हमने बेटर समझा कि एक गाइड हम कर लें। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot. तो दोस्तों, चेयर कार से हम लोग स्कीइंग पॉइंट पे जा रहे हैं। वहां से हम लोग अपना बुग्याल जो है उसके लिए ट्रैक शुरू करेंगे, और वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है,
और काफ़ी मज़ेदार ट्रैक होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी बर्फ ही बर्फ चारों तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलो देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों काफ़ी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे है और हनी की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खड़ी, एकदम काफ़ी स्लोप जो है, काफ़ी खड़े स्लोप है, काफ़ी थकावट महसूस हो रही है जाते हुए। एक तो बर्फ़ है और पैर हमारे इतने स्लिप हो रहे हैं। और सामने एक बहुत सुंदर सा मंदिर है और हमारे जो गाइड हैं उन्होंने हमें बताया कि यह मंदिर जो होता है वन देवी का मंदिर है और यहाँ पे जो भी चरवाहे होते हैं ऐसी मान्यता है कि ये जो वन देवी है वो उन जानवरों की रक्षा करती है और उन चरवाहों की भी रक्षा करती है, क्योंकि जो चरवाहे और जानवर होते हैं कहीं दो दो तीन तीन महीने तक ये लोग बुग्याल में रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी बर्फ़ यहाँ पे पड़ी हुई है और हमारे लगभग लगभग आधे आधे पैर हमारे यहाँ पे डूब जा रहे हैं। ये देखिए आप कितना बर्फ़ यहाँ पे पड़ा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी यहाँ पे हो रहा है गाइस। नहीं है ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ जो है बहुत छोटी सी है और हमें छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है जी लेना चाहिए। तो भी कभी टाइम निकालें अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए और खूब सारी मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और हमने भी यहाँ पे अपना बहुत सारा इंजॉय किया। आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे बर्फ है और थोड़ी देर बाद हम लोग स्कीइंग के लिए भी जाएंगे और वहाँ पे भी हम लोग खूब स्कीइंग का मजा लेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गढ़सो बुग्याल पे और आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी जो है आपको लश एंड ग्रीन बुग्याल देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मिनी स्विट्जरलैंड हो। काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे गर्मियों में भी घूमने आ सकते हैं।
lot of change, been through a lot of pain. तो दोस्तों बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्किन पॉइंट की तरफ और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अगला पार्ट हम डालेंगे इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। बाय बाय। I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time.